हम लोग सब कॉन कॉल पे आ गए और हमने बहुत मजाक उड़ाया हमने. और मेरी एक कजन है जिसको अर्जित बहुत पसंद है, उसने बोला कि आपने मुझे धोखा दे दिया, हाउ कैन यू फील ऑल द फीलिंग्स वॉट एवर इज हैपनिंग विद मी. आई फील इट ऑल एंड आई देन लाइक हील थ्रू इट. आई डोंट ट्राई टू फाइंड एनी एस्केप. Because I just feel कि controversy is only for people to have fun. थोड़े time बात करो and then भूल जाओ. So everybody is going to forget it eventually. So क्या मतलब बनता है इस बारे में इतना दिमाग चलाने का. पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि खाबों के परिंदे में जिस तरह का आपका लुक दिखाई दे रहा है, मुझे आशा लगता है कि किसी ने भी इस तरह से आपको पहले नहीं देखा होगा. तो कितना मॉडिफिकेशन आपने किया, कितना सेशंस आपने अटेंड किया इस कैरेक्टर को अपने आप में ढालने के लिए? आई थिंक ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आशा भी थोड़ी बहुत दिव्या जैसी है. तो बस एक थोड़ा सा और खुद को वाइल्ड चाइल्ड बनाना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए. एंड हाँ बाकी मस्ती में निकल गया बिकॉज वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही था. सब बिहाइंड द कैमरा भी सब दोस्त ही थे और सब यंगस्टर्स थे, तो एक तरीके से वहाँ से बहुत हेल्प मिली उन सबको ऑब्जर्व करके एक तरीके से. बिकॉज सब अपने 20s में होंगे आई एम श्योर, जो भी बिहाइंड द कैमरा लोग भी थे. तो आई थिंक ये सब ऑब्जर्व करके एंड हाँ खुद को थोड़ा सा और फ्री बर्ड वाइल्ड चाइल्ड हल्का सा टॉमबॉय टच दे के आई थिंक हो गया. Okay. आपके लुक भी काफी जो है वो डिफरेंट दिखाई दे रहा है. शॉर्ट है, मतलब आगे से एकदम शॉर्ट हेयर है, एकदम बोल्ड अवतार जैसा, एकदम बिंदास टाइप की लड़की है बिंदिया. तो आपकी कोई सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज आपको लगी जो आप बताना चाहो व्यूअर्स को? आई थिंक बिंदिया है थोड़ी बहुत आशा जैसी जब बात आती है दोस्तों के साथ अनफिल्टर्ड होने की या फिर मुफट टाइप की. बट आई थिंक अगर डिसिमिलैरिटी की बात करें तो बिंदिया हमेशा ग्रुप की वो बंदी है जो हमेशा प्लान्स इनिशिएट करती है कि चलो यहाँ चलते हैं, चलो ये करते हैं. तो वो मैं नहीं करती हूँ पर्सनल लाइफ में थोड़ी एंटी सोशल भी हूँ. तो आई थिंक ये थोड़ी डिसिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में. ओके. टीजर देखने के बाद वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट था जो आपको सबसे ज्यादा मिला और एक चीज जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था आप उसके बारे में इस तरह का भी कुछ सुन सके? आई थिंक मेरे दोस्तों ने ये जरूर बोला था टीजर में कि ये तो तू ही है. वो एक डायलॉग है ना उसमें, कहाँ जा रहे हो तुम, बोलता है ऐड ले लो यहाँ तो जाओ ना. तो दोस्तों ने ये बोला कि अरे ये तो तू है, खुद को प्ले कर रही है क्या. आई थिंक ये एंड बाकी काफी अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं सबके फॉर द टीजर एंड द ट्रेलर. तो बहुत एक्साइटेड तो हूँ मैं. ओके okay, there have been few rapid fire questions that I really need to ask from you. Okay, so the weirdest thing that you heard in the lockdown about yourself? That I'm dating Arjit Taneja. Yeah. How did you reacted on that? अरे हम लोग सब कॉन कॉल पे आ गए और हमने बहुत मजाक उड़ाया हमने. और मेरी एक कजन है जिसको अर्जित बहुत पसंद है, उसने बोला कि आपने मुझे धोखा दे दिया, हाउ कैन यू. क्योंकि वो मुझे ऐसे मजाक कर रही थी कि यार मैं तो लहंगा वहंगा सिलवा रही हूँ, उसको आप ले आओ शादी करा दो मुझसे. तो मैंने बोला ठीक है. सो या हमने बहुत सब फ्रेंड्स ने मिलके कॉन कॉल पे बहुत हंसी उड़ाई हमने. ओके, सो आई वाज आस्किंग कि टेलीविजन की दुनिया में वो कौन सी कंट्रोवर्सी है जो आपको इग्नोर करना होगा तो आप इग्नोर करना पसंद करेंगे? आई थिंक यार सारी इग्नोर करती हूँ मैं, सारी कंट्रोवर्सीज ही. बट बिकॉज आई जस्ट फील कि कंट्रोवर्सी इज ओनली फॉर पीपल टू हैव फन. थोड़े टाइम बात करो एंड देन भूल जाओ. सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू फॉरगेट इट इवेंचुअली. सो क्या मतलब बनता है इस बारे में इतना दिमाग चलाने का. So, yeah. Okay. In three words, if you have to describe your perfect person or a perfect man, how will you describe? There is no perfect man. It's just an illusion. So I don't know what to say. But yeah, I mean, it depends, yaar. It totally depends. There are no three qualities that I'm looking for. But yeah, like basic things. Okay. According to you, किसके साथ आपके लिंक अप की खबर आपको सबसे ज्यादा फनी लगी हो और एक जो आपको काफी वियर्डेस्ट लगी?
आई थिंक यही यार अर्जित तनेजा है, कुछ टू फनी बिकॉज देयर सच गुड फ्रेंड्स, चलना चलना ऐसे टाइप के दोस्त है. सो या बट हमने उसके वो काफी मजे भी लिए, हमने फिर फोन कॉल पे एज आई सेड हम दोस्तों ने काफी मजाक भी उड़ाया. सो दैट इज वन. ओके, हाउ डू यू डील विद हार्ट ब्रेक्स? हाउ डू आई डील विद हार्ट ब्रेक्स? I let it happen. I feel all the feelings, whatever is happening with me. I feel it all, and I then like heal through it. I don't try to find any escape.